भेज दियो थोरो और गीता तो किसी को नहीं मिला। अरे तो प्लान भेज दिया है, नहीं मिला तो मिलेगा ना, भेजोगे जब ये चार साल में कुछ नहीं हुआ। आपकी जिम्मेदारी ये यहाँ के लोगों की सबसे ज्यादा गलती यहाँ के लोगों की है। अगर इन लोगों को सही जवाब मिल जाता ना तो आज ये धरना प्रशासन नहीं करते। मेन बात तो ये है, लेकिन इनका कहना था बिल्कुल सही है, लेकिन ये थोड़ा गलत बोल गए कि इसमें कांग्रेस की कोई गलती नहीं है, गलती ऊपर वालों की है कि ऊपर से जो ऑर्डर आता है ना उसकी सुनवाई नहीं होती है। मेन बात यह है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। अब ये है वो बिचारे जिनसे बोलनी तक नहीं आ पा रहा है तो भी वो यहाँ पर मंडरा रहे हैं, इतनी इधर से उधर मंडरा रहे हैं। उनकी बात उनके दिल से पूछे कि उन पे क्या बीती है प्रशासन ने। उनकी कहते हैं उनकी छह लड़कियां हैं, अगर उन छह लड़कियों की तरफ देखेंगे या उनकी तरफ देखेंगे जो पैसा मांग रहे हैं। सरकार तो कह रही रहने के लिए हमने छत दे दी और पीने के लिए पानी तक दे दिया, वो सब गलत है, मुक्त कर दी। ऐसा कुछ गिना चुना मिलता है, देखो 100 में से 10% लोग होंगे जिनके घर में लाइटें होगी, उनके घर में पानी की सुविधा होगी, जिनके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है उनसे तो जाके कभी सरकार आके पूछा है कि कभी कभी कच्ची बस्ती में जाके कभी पैर में नंगे पैर चल के तो देखो पता चलेगा उन्हें कि कैसे ये लोग चलते हैं और कितनी मुश्किल से मजदूरी करके कमा के खाते हैं। कभी उन्हें सरकार ने आके कभी इनसे पूछा है क्या, किसी ने नहीं पूछा होगा। सब अपनी अपनी स्वार्थ में, दूसरों की स्वार्थ में नहीं है कि आम जनता क्या कहना चाहती, कोई नहीं सुनता बस। और देखकर वो तुरंत गाड़ी में बैठ गए तो ये गलत बात है। उनको पहले हमारे पास आना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए, उसके बाद में उनको कुछ कहना चाहिए। वो तो डायरेक्टली आके हम पे धापा बोले, ये गलत है। देखो इतने बुजुर्ग लोग आए सुबह से यहाँ भूखे प्यासे, बच्चे समेत भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तो उनको ये नहीं दिखा तो यहाँ से कोई निकल के तुरंत हमारे पास आता कि आप लोगों की क्या बात है, आप लोग यहाँ धरना प्रशासन देख के कैसे बैठे हो। उन्होंने ये तो पूछा नहीं डायरेक्ट, हमने एक महीने की मोहलत दो, हमें एक महीने इतने सालों में कुछ नहीं कर सके तो अब क्या कर लेंगे। वो किसको पट्टे दिलवाए बता मुझे, सबसे पैसे खा के पट्टे दिए सबको। एक गरीब आदमी आज 40 साल तो हमें हो गए रहते हुए, हमें पट्टे नहीं दिए गए और जो जिनको 2 साल हुए उनको तुरंत पट्टे मिल गए, तो ये कहाँ का इंसाफ है। यहाँ आते हैं तो चले चले बाहर चले, यहाँ पे कोई नहीं है, यही जवाब मिलता है। बहुत अच्छे जवाब देते हैं यहाँ के नगर पालिका वाले, सुपर है, सबके सब सुपर है, बिल्कुल सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं सबके साथ। इतने जने ये इतने बुजुर्ग है, अब इनसे पूछे, ये भी सुबह से आए बैठे हैं ना, इनकी क्या हालत है, ये देखो इनको देखिए आप, इनको देखिए आप, ये भी सुबह से आए हुए हैं ना, हमारे साथ ही आए थे। उन्होंने एक महीने का कहा, अब एक महीने में क्या होता है देखते, इतने सालों में कुछ नहीं हुआ तो एक महीनों में क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ भी नहीं होने वाला। 10 साल के गई फिर बैठे रहो आराम से, सब जने माला जपते रहना यहाँ पर आके, घड़ी घड़ी यहाँ पे डंका बजाते रहना बार बार आकर कि हमें पट्टा दीजिए, हमें पट्टा दीजिए, जवाब ही मिलेगा, निकले बाहर निकले, वो साहब नहीं है, वहाँ जाइए, उस रूम में जाइए, उस रूम में जाइए, यहाँ ये जवाब मिलते हैं। क्या ये सरकार की मंशा है या अधिकारी की मंशा है? ये देखिए मेन बात बताती हूँ कि अगर आज मैं हूँ, मुझसे भी यहाँ पर ऐसा बोला गया कि 1 लाख रुपया दीजिए मैं आपको तुरंत पट्टा दिलवाता हूँ, ये डिमांड हुई है मेरे साथ, 2 जनों ने ये डिमांड करी है कि मुझे 1 लाख रुपया दीजिए मैं पट्टा दिलाता हूँ। अगर मैं 1 लाख रुपया उसे दूंगी तो मेरी ये छोटी सी गुड़िया है इसका भविष्य क्या होगा, अगर मैं पैसा खिला के काम करवाऊंगी तो फिर पीछे क्या होगा इनके, जिनके सबके छोटे छोटे हैं। देखिए नाम कोई नहीं बताता, आप बता सकते हो नाम कोई नहीं बताता है, किसी को नाम बताकर मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती हूँ। आपको लगता है सरकार के ये अधिकारी आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं? कुछ भी नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ इनका एक झूठा दिलासा था जो सबको दे दिया। एक छोटी जैसे बच्चों को राजी करते ना चॉकलेट दे के, जैसे अभी खेताराम जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, क्योंकि यहाँ के लोग है ना सिर्फ ना देख कर, दूर से देख कर तमाशा देखने वाले हैं और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ का जो प्रशासन से वो हमारे सबकी, जो भी बेचारे कच्ची बस्ती वाले हैं ना उनकी तो कोई डिमांड सुनता ही नहीं है। अगर कोई बंदा जाके बोलेगा कि सर ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, ये कागज,
वहाँ जाके पूछिए, उनसे जाके पूछिए, बस ये जवाब मिलता है और कुछ भी नहीं। कच्ची बस्तियों में बहुत सुविधाएं कराई गई है, कुछ भी नहीं कराई गई है। जाके देखिए सरी, नालियाँ भी नहीं बनी हुई है, सड़कें भी नहीं बनी हुई है, कुछ भी नहीं है। आप जाके तो देखिए एक बार, कुछ भी नहीं करा हुआ है। वो सरकार की योजना कहाँ जाती है धरातल पे? वो आप सरकार से जाके पूछिए कि आपकी ये योजना है जो गरीबों के लिए, वो कहाँ जाती है? ये आम जनता से, आम जनता से पूछकर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर की आंखों में आंसू मिलेंगे और कुछ नहीं। मैं तो ये चाहती हूँ ऐसी सरकार आना चाहिए कि जो सब गरीबों की सहायता करे, ऐसी नहीं आनी चाहिए कि अपनी जेब भरे, बस और कुछ नहीं कहना चाहती। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वजह है, क्या समस्या? वाल्मीकि कॉलोनी की समस्या है, इनको पहले पट्टे भी नहीं दिए गए और प्लस वहाँ सड़क नाली साफ सफाई सारी समस्या है। हम जल्दी संज्ञान लेंगे सड़क नाली और इसको, तो हम जल्दी समस्या को निपटाएंगे और पट्टे के लिए भी मैं अगले 15 दिन में इनका प्रोसेस देख के और स्टार्ट करवा दूंगा। जो लीगल बैठे हैं, जिनके वाजिब है, उनको सबको पट्टे दिए जाएंगे, इसमें कोई भी बिना पट्टे के नहीं रहेगा। प्लान बन के नहीं, प्लान में कुछ संशोधन है, तो एक कपूर पट्टे का ही है, वो संशोधन करवाने के लिए हमने भेज दिया है, वो जल्दी आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग पट्टे उसमें भी, जो उसमें भी कुछ एक ब्लॉक तो बड़े क्लियर है, तो उसमें तो हम दे देंगे जल्दी। सारी बस्तियों में जो लीगल बैठे हैं सबको पट्टे देंगे। अब स्टार्ट है पट्टे का काम जल्दी।